यू मस्ट बी थिंकिंग कि आज सोनम मैम क्या कराने वाली है। सो गाइज, ये जो वीडियो है इसमें मैं ऐसी चीज बताने वाली हूँ जो आपको काफी हेल्प करेगी। ये वो मिस्टेक्स हैं जो कि 5 बैंड वाला लर्नर भी करता है, और बहुत बार 6.5 बैंड और 7 बैंड वाले लर्नर्स भी यही गलतियां करते हैं राइटिंग एंड स्पीकिंग में। बहुत बार प्रोनंसिएशन मिस्टेक होती है स्पीकिंग में, क्योंकि स्पीकिंग में तो पता नहीं चलना ना कि आपने और क्या गलती करी है, एंड राइटिंग में आप लिख ही गलत देते हो। तो ये वीडियो को ध्यान से जरूर देखना, बिकॉज अगर आप ये वीडियो देखते हो देन यू कैन इजिली गेट 0.5 बैंड एक्स्ट्रा। बस आपने वीडियो को ध्यान से देखना है, ये बेसिक्स है जो कि आपको पता होने चाहिए, और ये वाली गलतियां दोबारा मत रिपीट करना प्लीज। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सो यहाँ पे अगर मैं राइटिंग एंड स्पीकिंग की बात करूँ, ठीक है, तो किस तरीके की मिस्टेक्स आप लोग करते हो वो देखो आप ध्यान से। हेलो एवरीवन, आई एम सोनम संधू फ्रॉम आइल्स मेड इजी, एंड इन दिस वीडियो मैं कुछ ग्रामर की ऐसी मिस्टेक्स बताने वाली हूँ जो कि एक 5 बैंड वाला लर्नर भी करता है, 6.5 बैंड वाला, इवन 7.5 बैंड वाले लर्नर्स भी ये गलतियां कभी कभार कर देते हैं। तो प्लीज वीडियो को ध्यान से देखना एंड तक। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं बात कर रही हूं तो यहाँ पे हमारे पास है दिस, ठीक है, दिस दैट दीज एंड दोज, ठीक है। ये काफी मिस्टेक्स होती है लर्नर्स की, पता ही नहीं होता। जैसे स्पीकिंग एग्जाम होगा तो वो दीज की जगह दिस बोल देते हैं, दोज की जगह डैट बोल देते हैं। एंड गाइज, अगर आपने ध्यान से ग्रामर पे फोकस करा हो तो आपको याद हो तो फर्स्ट क्लास में हमें ये चीजें सिखाते हैं, दीज आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, दिस दैट दीज एंड दोस। जब भी आप किसी सिंगल थिंग की बात कर रहे हो, ठीक है, तो आप वहां पे यूज करोगे दिस वन थिंग, ठीक है, कोई सिंगल थिंग है तो आप यूज करोगे दिस। सिमिलरली कोई सिंगल थिंग है तो आप यूज करोगे दैट। बट इसमें डिफरेंस क्या है? सिंगल थिंग बट नियर बाय है तो दिस, सिंगल थिंग है बट फार अवे है, इन दैट केस यू आर गोइंग टू यूज दैट। दीज यूज करोगे जब आपके पास प्लूरल है, ठीक है, एक से ज्यादा चीजें हैं पर वो है क्या? नियर बाय है। एंड दोज यूज करोगे जब आपके पास प्लूरल थिंग्स हैं बट फार अवे है, ठीक है। अब इसे ध्यान से समझना क्योंकि ये बेसिक्स आपके क्लियर होंगे। जब आप बात कर रहे हो बहुत सारे आइडियाज की तो आप लिखोगे दीज आर द आइडियाज, दीज आर द रीजंस बिहाइंड एयर पॉल्यूशन, ठीक है, दीज ये रीजंस है एयर पॉल्यूशन के। वो रीजंस आप वहीं पे बता रहे हो, पर अगर एक ही रीजन है तो आप बोलोगे दिस इज द रीजन, ठीक है। अगर एक ही रीजन है तो आप बोलोगे दिस इज द रीजन बिहाइंड एयर पॉल्यूशन। अगर बहुत सारी रीजंस है तो आप बोलोगे दीज आर द रीजंस बिहाइंड एयर पॉल्यूशन, दिस इज द रीजन और दिस इज अ रीजन, ठीक है, दिस इज अ रीजन बिहाइंड और दिस इज द मेजर रीजन, दिस इज द मेजर रीजन बिहाइंड एयर पॉल्यूशन। कोई एक चीज बता रहे हो तो दिस ही लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर आप ध्यान से देखो ये पूरे सेटअप को, सो दिस इज अ चेयर, बिल्कुल साथ में है ना, दिस इज अ चेयर, दिस इज अ पेन, ठीक है, दिस इज अ रिंग, दिस इज अ ब्रेसलेट, ठीक है। बट अगर मैं ये दोनों को कंबाइन कर देती हूँ, ठीक है, बहुत सारे मेरे पास, लेट से मैंने बहुत कुछ है ना, बहुत सारे पेन्स है मेरे पास यहाँ पे, तो मैं बोलूंगी दीज आर द पेन्स, ठीक है, दीज आर द वीडियोस, एक वीडियो नहीं शूट करी, फोर फाइव करी और मैं दिखा रही हूँ, सो दीज आर द वीडियोस। वहां पे मैं ये नहीं बोलूंगी दिस इज माय वीडियो, मैं बोलूंगी दीज आर द वीडियोस, बहुत सारी वीडियोस हैं। सो आपने इस चीज का ध्यान देना है कि दिस सिंगुलर के लिए लगता है और दीज प्लूरल के लिए। सिमिलरली जब आप स्पीकिंग एग्जाम दे रहे हो तो आपने ध्यान रखना है देयर आर वेरियस रीजंस बिहाइंड दिस एंड दिस इज द मेजर रीजन, ये एक जो है ये मेजर रीजन है और दिस इज द मेजर रीजन। ये आपको समझ आ गया? अब आगे वाले पॉइंट पे आते हैं, दीज, दीज का मतलब होता है प्लूरल,
जब एक से ज्यादा चीजें, ज्यादातर बॉडी पैराग्राफ वन में हम बोलते हैं ना, बॉडी पैराग्राफ टू की बिगनिंग में, आर देर एनी अदर रीजंस बिहाइंड दिस, ठीक है, आर देर एनी अदर रीजंस बिहाइंड ट्रैफिक कंजेशन, सर्टेनली देयर आर, दीज टू आर द मेजर रीजंस, ये दोनों मेजर रीजंस है, दीज टू, तो वहां पे दिस एंड दीज लगता है, आपको समझ आ गया होगा, दिस एंड दीज का दिस वन थिंग के लिए यूज होता है, दीज प्लूरल एक से ज्यादा चीज के लिए यूज होता है, तभी यूज होता है दिस एंड दिस जब कोई नियर बाय है, दीज एंड दिस, ठीक है, दीज आर द वर्क स्टेशन, बहुत सारे वर्क स्टेशन है यहाँ पे, सो दीज आर द वर्क स्टेशन, दिस इज माई वर्क स्टेशन, ये मेरा वर्क डेस्क है। नाउ दोस्त का मतलब होता है फार अवे, मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ पर मैं बात कर रही हूँ किसी पुराने टाइम की, स्पीकिंग मॉड्यूल में हो, ठीक है, दैट टाइम वॉज परफेक्ट, ठीक है, और दैट वेकेशन विद माई फ्रेंड वॉज परफेक्ट, दैट वेकेशन विद पल्लवी वॉज परफेक्ट, एक्चुअली पल्लवी का ही फोन आ रहा था बीच में तो मुझे पल्लवी ही याद आई, सो दैट वेकेशन विद पल्लवी वॉज परफेक्ट, That visit with Pallavi was perfect. That meeting with Pallavi was memorable. और हम यही those use करना है तो आप तभी those use कर सकते हो जब आप plural things की बात कर रहे हो, बहुत सारी चीजों की। मैं यहाँ बैठे हुई हूँ अपने ऑफिस में और मुझे सामने बहुत सारी बिल्डिंग्स दिख रही हैं। So those buildings are high rise. वो जो बिल्डिंग्स है ना सामने जो दिख रही हैं मुझे, those buildings are high rise building है। बहुत सारी बिल्डिंग्स है, एक नहीं है, बहुत सारी है और दूर है वो बिल्डिंग, सो दोज बिल्डिंग्स आर हाई राइज, बहुत सारी बिल्डिंग्स और दूर, तो लग गया दोज, एक ही बिल्डिंग और दूर, लग गया दैट, ठीक है, सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, दिस दैट दीज दोज। फॉर एग्जाम्पल एक कार है, एक ही आपको दिख रही है पर वो दूर पार्क हुई है, दैट इज माई कार, आप यहां से अपनी फ्रेंड को बता रहे हो कि वो जो कार खड़ी है ना वो मेरी है, दैट इज माई कार, ठीक है, ऐसे ही दोज की बात करें, ठीक है, वहां पे फ्रेंड्स ना मेरे वेट कर रहे हैं और मैं अभी तक शूट कर रही हूँ वीडियो एंड माई फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी, है ना, तो मैं क्या करूंगी, आई कैन से दोज आर माई फ्रेंड्स, दोज बहुत सारे दूर खड़े हुए हैं, ठीक है, सो ऐसे यूज करते हैं। इसकी प्रोनंसिएशन का भी ध्यान देना, जब स्पीकिंग मॉड्यूल में, स्पीकिंग एग्जाम में होगे तो दीज दोज दैट दिस प्रोनंसिएशन भी ऐसे होगी, ठीक है, अब आगे प्रोसीड करते हैं, ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया, नाउ प्रोसीडिंग फर्दर, यहाँ पे हमारे पास है देयर, THEIR, ये तो मैंने इतनी मिस्टेक्स देखी है ना अभी तक ऐसे में यार, 6.5 बैंड वाले लर्नर भी नहीं ये मिस्टेक्स मतलब छोड़ते, दे ऑल्सो कमिट सच मिस्टेक्स, देयर एंड THEIR देयर, THEIR ही देयर, ठीक है, देयर इज अ मीटिंग गोइंग ऑन, ठीक है, देयर इज अ मीटिंग गोइंग ऑन, देयर इज अ पार्टी हैपनिंग, एक पार्टी हो रही है देयर, ठीक है, देयर इज अ पार्टी हैपनिंग, वहां एक पार्टी हो रही है, ठीक है, देयर इज अ मीटिंग गोइंग ऑन, देयर इज अ पार्टी हैपनिंग, सो देयर लग गया, THEIR, ये देयर जो होता है ये किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए होता है, आप ये चीज समझो, ये जो भी मैंने अभी आपको बताए हैं ना, किसी भी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम लोग ये वाले सारे के सारे प्रोनाउंस यूज करते हैं, दिस दीज दोज दैट अलोंग विद देयर एंड हियर, ये सारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यूज होते हैं, देयर इज अ मीटिंग गोइंग ऑन, देयर इज अ पार्टी गोइंग ऑन, देयर इज अ पार्टी हॉल अक्रॉस द स्ट्रीट, स्ट्रीट क्रॉस करके एक पार्टी हॉल है, तो देयर का मतलब है कुछ डेमोन्स्ट्रेट करो, कुछ बता रहे हो कि वहां पे ये है, वहां पे वो है, ठीक है, दैट्स वेयर वी यूज THEIR। अब आ जाते हैं THEIR पे, ध्यान से सुनना ये THEIR, ये जो THEIR है इसका मतलब होता है अपने खुद की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि दे आर बिजी इन देयर वर्क,
वो अपने काम में बिजी है, दे आर बिजी इन देयर वर्क, वो अपने काम में बिजी है। कोई चीज जो उन्हीं को रिफ्लेक्ट बैक कर रही है, आई एम बिजी इन माई वर्क, दे आर बिजी इन देयर वर्क, दे आर बिजी इन देयर शूट, दे आर बिजी इन देयर ऑफिस, यू आर बिजी इन वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है, दे आर बिजी इन देयर स्टडीज, यू आर बिजी इन योर स्टडीज। आपको खुद को वो चीज रिफ्लेक्ट बैक कर रही है, तो वहां पे हम देयर, फॉर दे वी यूज देयर, दे आर बिजी इन देयर वर्क, दे आर बिजी इन देयर स्टडीज, दे आर बिजी इन देयर लाइफ। सो वहां पे हम यूज करते हैं TH E I R देयर। इसका मतलब होता है कि खुद को रिफ्लेक्ट बैक करना। ये बेसिकली टर्म यूज होती है जब हम अपने बारे में ही कोई बात कर रहे हैं या कोई काम जो हम खुद ही कर रहे हैं। आई कैन प्रिपेयर फूड माई सेल्फ, ठीक है, सो आई कैन डू दिस माई सेल्फ, आई के साथ माई सेल्फ लगता है। तो आपने ऐसे ध्यान देना है दे एंड देयर का। सो गाइस इतना ध्यान दो, देखो ये वीडियो ना काफी इम्पोर्टेंट है और मैंने कोशिश तो करी है हर एक चीज आपको एक्सप्लेन करूं अच्छी तरह से, बट जब आप बोल रहे हो तो प्रोनाउंसिएशन का भी ध्यान देना। दिस दिस THIS दिस वन थिंग के लिए, दीज प्लूरल के लिए जब बहुत सारी चीजें, दोज प्लूरल प्लूरल है बट फार अवे है, दोज आर द पेंटिंग्स, वो पेंटिंग्स हैं, दैट दैट इज अ पेंट। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ देयर एंड देयर के, THER ही देयर होता है डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, कुछ इंट्रोड्यूस करने के लिए, देयर इज अ पार्टी गोइंग ऑन, ठीक है, देयर इज अ पार्टी गोइंग ऑन, देयर आर पीपल स्टैंडिंग इन द क्यू। और THEIR यूज कब होगा, जब हम अपने खुद को रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं, अपने खुद के बारे में कोई बात कर रहे हैं, तो वहां यूज करेंगे देयर, दे आर बिजी इन देयर वर्क। सो अब से आप कभी भी ग्रामर की ये वाली गलतियां नहीं करोगे, बस अवॉइड दीज मिस्टेक्स। ये आपने ध्यान रखना है कि स्पेलिंग भी हमेशा करेक्ट होनी चाहिए, यूसेज भी आपकी हमेशा करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। सो जस्ट टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ आई है इस वीडियो में, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और वो चीज मैं आपको जरूर समझाने का ट्राई करूंगी। फिर भी कोई डाउट आपका रह गया है या कुछ ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं समझ आ रहा, तो मुझे जरूर बताओ। अदरवाइज वी हैव दिस प्लेलिस्ट, बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी 500+ वीडियोस हैं, आपको जिस भी टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सेम टॉपिक आप सिंपली जाके सर्च कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल पे एंड यू विल फाइंड द सेम वीडियो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ माइन, अंटिल देन बाय बाय। इफ यू नीड हेल्प इन एनी अदर आइल्स टॉपिक, we have already created 500 plus videos on every topic related to IELTS preparation. You simply go to our homepage. You will see multiple tabs on the top of the screen. Now, you simply need to click on the playlist tab. After clicking on the playlist tab, you will see reading, listening, writing, speaking, vocabulary playlist, a lot of playlists. So now, you simply need to click on the specific playlist. So suppose you are facing problem in reading module, click on the reading playlist and find the video as per your requirement. If you are facing problem in reading vocabulary, click on the reading vocabulary playlist and find the video in the same playlist as per your need. So simply do this and you need not require any other thing. Isi se prepare karo and I'm pretty sure you're going to do well. Best of luck and keep learning.